तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे। और ये जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण। पॉल्यूशन समझें कि प्रदूषण क्या होता है, किसे कहते हैं प्रदूषण। टॉपिक बहुत जनरल टॉपिक है, तो प्रदूषण को अगर अपन समझने का प्रयास करें कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो जल, स्थल और वायु। ध्यान से सुने, जल, स्थल व वायु की भौतिक, रासायनिक और जैविक, भौतिक, रासायनिक व जैविक विशेषताओं में परिवर्तन जल, स्थल और वायु की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में परिवर्तन होना। ठीक, अब ये ऐसा परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के लिए हानिकारक हो। अपन यू कह सकते हैं कि जल, स्थल और वायु, इसकी भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक विशेषताओं में ऐसा परिवर्तन और उन परिवर्तन के कारण मनुष्य के लिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब जल, स्थल और वायु की भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं में बदलाव होने से अगर मनुष्य को नुकसान हो रहा है, तो ये क्रिया, ये प्रक्रिया जो है, ये कहलाती है प्रदूषण। क्लियर है? दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो अपन देखें, पोल्यूटेंट्स, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? वो था प्रदूषण, ये प्रदूषक। तो वैसे तो सिंपल भाषा में अपन समझें कि प्रदूषक क्या होते हैं, वे पदार्थ या क्रिया, वे पदार्थ या क्रिया जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उनको ही क्या बोलेंगे, प्रदूषक। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं प्रदूषक, और ये कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो अपन यहां पर प्रदूषण और प्रदूषक की डेफिनेशन समझी, दोबारा समझे। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण का मतलब है जल, स्थल और वायु की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में परिवर्तन होने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, तो इस क्रिया को प्रदूषण बोलेंगे। प्रदूषक वे पदार्थ या क्रियाएं जो प्रदूषण उत्पन्न करती है उनको अपन बोलते हैं प्रदूषण। अब यहां पर अपन सबसे पहले समझेंगे प्रदूषक के प्रकार। तो सबसे पहले अपन प्रदूषण के प्रकार यहां पर टॉपिक डालते हैं, प्रदूषण के प्रकार।
टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे पहले नंबर वन पर अपन डिस्कस करेंगे जियो निम्नीकरणीय प्रदूषण, इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटिक्स। देखो नाम से पता लग रहा है जैव अनिम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होना, लेकिन यहां पर है जैव अनिम्नीकरणीय, यानी ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, ऐसे प्रदूषक कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण। उदाहरण पर देखें जैसे एल्यूमिनियम के डिब्बे, मरकरी, बेंजीन, बीएचसी, डीडीटी, ये सब जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। नंबर दो प्रदूषक अपन देखें जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या होते हैं, अब इसको यहां से अपन समझें। जैव निम्नीकरणीय ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। जैसे घरेलू वायुमंडल, इसके अलावा कागज, लकड़ी, कपड़ा, ये सब ऐसे प्रदूषक हैं जिनका आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है। ठीक, तो ये दो प्रकार तो पहले देखे अपघटन के आधार पर, फिर नेक्स्ट दो प्रकार और देखते हैं अपन, प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉलिटिक्स, ऐसे प्रदूषक जो इसी रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं, ऐसे प्रदूषक जो इसी रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, डीडीटी, ये हैं प्राथमिक प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो इसी रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं उनको बोला जाता है प्राथमिक प्रदूषक। ठीक, नेक्स्ट सेकंड टाइप है इसका द्वितीयक प्रदूषक, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉलिटेंट्स बोलते हैं। देखो सेकेंडरी पॉलिटेंट्स द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक है जो प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके बनाते हैं, समझे, ऐसे प्रदूषक जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है, प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करते हैं तो इनका निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पर अपन देखें फोटो केमिकल स्मोक, फोटो केमिकल स्मोक, इसके अलावा लंदन स्मोक, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, ये सब है द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण। तो दो प्रदूषक हो गए प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो इसी रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक के आपस में क्रिया करने से बनेंगे, ये अधिक नुकसानदायी होते हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट दूसरा प्रकार देखते हैं अपन, मात्रात्मक प्रदूषण, मात्रात्मक प्रदूषण, मात्रात्मक प्रदूषक क्या होते हैं,
ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक वातावरण में सामान्यतः रहते हैं, लेकिन इनकी सांद्रता जब एक निश्चित सीमा से अधिक होती है तो ही ये प्रदूषक का काम करते हैं। कहने का मतलब ये प्रदूषक वातावरण में पहले से रहते हैं, लेकिन जब तक इनकी सांद्रता कम रहती है तो ये प्रदूषक नहीं बनते, लेकिन जब इनकी सांद्रता एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये प्रदूषक की श्रेणी में आ जाते हैं। और इसमें उदाहरण देखिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसका दूसरा प्रकार देखो गुणात्मक प्रदूषण, गुणात्मक प्रदूषक। इस प्रकार के प्रदूषक मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होते हैं। समझे ध्यान से, इस प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होते हैं। उदाहरण अगर आप इसका देखें, जैसे कि पेस्टिसाइड, इसके अलावा फंजीसाइड यानी कवकनाशी, शाकनाशी, ये सब है गुणात्मक प्रदूषक जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वातावरण में मुक्त होते हैं। तो यहां पर अपने प्रदूषक जो है इनको छह भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले अपन ने देखा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है या तो बहुत ही कम होता है, वो प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। और लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं, मरकरी है, बेंजीन है, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, डीडीटी है, ये सब। दूसरा प्रकार अपने पढ़ा जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है अपघटन, उनको क्या बोलेंगे जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक। जैसे अपने घरेलू वाहिकमल कागज लकड़ी कपड़ा, अपन देखते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे कूड़े करकट में कहीं भी लकड़ी कपड़े कागज वगैरह पड़े तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाते हैं डिकम्पोज विघटित हो जाते हैं, तो वो जीव निम्नीकरणीय प्रदूषक की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन ने देखा प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, ऐसे प्रदूषक इसी रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, डीडीटी। द्वितीय प्रदूषक ये अधिक नुकसानदायक होते हैं, अधिक हानिकारक होते हैं, और इस प्रकार के प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन मात्रात्मक प्रदूषण। इस प्रकार के प्रदूषक सामान्यतः प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन जब इनकी सांद्रता एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो फिर ये प्रदूषक की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। गुणात्मक प्रदूषक, इस प्रकार के प्रदूषक मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वातावरण में छोड़े जाते हैं, जैसे शाकनाशी है, कवकनाशी है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब गुणात्मक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार समझे ध्यान से, प्रदूषण के प्रकार यहां पर अपन चार प्रकार के प्रदूषण डिस्कस करेंगे। नंबर एक प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण किसे कहें, जो ऐसा प्रदूषण जो बिना किसी मानवीय क्रियाओं के हो रहा है, यानी मनुष्य की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, वो प्राकृतिक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें धान के जो खेत होते हैं, खेत में मेंढे
इसके अलावा जैसे दलदल है, इसके अलावा जैसे वनों में आग लगना, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, तो ये है प्राकृतिक प्रदूषण। दूसरा जो टाइप है वो है कृत्रिम प्रदूषण। अब कृत्रिम प्रदूषण क्या होता है? ऐसा प्रदूषण जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होता है, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न होगा वो कहलाएगा कृत्रिम प्रदूषण। नेक्स्ट नंबर तीन जो है वो है अपना ऋणात्मक प्रदूषण। ऋणात्मक प्रदूषण, अब ऋणात्मक प्रदूषण क्या होता है? देखो, जब वांछनीय पदार्थ सही जगह से हट जाते हैं, जिन पदार्थों को जहां होना चाहिए था वहां से अगर वो हट गए तो ऐसा प्रदूषण कहलाता है ऋणात्मक। उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि अधिक चराई के कारण मरुस्थल का बन जाना, इसके अलावा जैसे मृदा का अपरदन, तो ये ऋणात्मक प्रदूषण है। इसमें उदाहरण लीजिए अपन मृदा अपरदन। अरे भी मृदा अपरदन तो जानते हैं आपको, मृदा अपरदन का मतलब है कि उपजाऊ जो मिट्टी है वो हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर जब पहुंच जाती है तो वो मृदा का अपरदन कहलाएगा। चौथा प्रकार इसका धनात्मक प्रदूषण। अब धनात्मक प्रदूषण क्या होता है? अवांछनीय जो पदार्थ है अगर वो गलत जगह पर डाल दिए गए जहां पर नहीं होना चाहिए था वहां पर उनकी उपस्थिति है तो वो है धनात्मक प्रदूषण। इसके उदाहरण अपन देखें, जैसे आप नाम सुना होगा सेनेटरी लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होते हैं कि जैसे जो बड़े शहर होते हैं तो उनका जो कचरा होता है, वाहित मल जो होता है, उसको शहर से दूर किसी खाली जमीन पर इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पर जो ढेर बन जाते हैं तो वो है लैंडफिल्स। वहां गड्ढे खोद करके उनके अंदर वो भर दिया जाता है तो लैंडफिल्स कहलाते हैं। तो ये धनात्मक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। तो अपन यहां पर प्रदूषण के चार प्रकार देखें, प्राकृतिक, कृत्रिम, ऋणात्मक और धनात्मक। प्राकृतिक जो प्रदूषण है इसके उदाहरण में अपन देखें धान के खेत में मीथेन उत्पन्न होना, दलदल है, वनों में आग लगने से, ये सब प्राकृतिक है। कृत्रिम अगर मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा प्रदूषण हो रहा है, जैसे मान लो वाहनों से, स्वचालित जो वाहन है उनसे, इसके अलावा जैसे एरोप्लेन है उनसे, तो ये मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है। ऋणात्मक प्रदूषण ऐसा प्रदूषण जिसमें वांछनीय पदार्थ वहां से हट जाते हैं, जैसे कि मृदा का अपरदन। धनात्मक प्रदूषण में अवांछनीय पदार्थ वहां आ जाते हैं तो वो धनात्मक प्रदूषण, जैसे लैंडफिल्स। अब ये तो हो गए अपने इनके प्रकार, प्रदूषण के प्रकार हो गए और ये प्रदूषण के भी प्रकार हो गए। अब अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले वायु प्रदूषण को, एयर पॉल्यूशन। अगला जो टॉपिक है अपना वो है वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, तो देखो एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण। तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें कि वायु प्रदूषण किसे कहें, तो वो सिंपल है कि जब वायु का जो संगठन है उसमें कुछ ऐसे बदलाव हो गए जो उस वायु को
मनुष्य के लिए हानिकारक बना देते हैं, इस प्रकृति के लिए हानिकारक बना देते हैं, तो फिर वो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब यहां पर वायु प्रदूषण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषक। ये वायु प्रदूषक क्या होंगे, वो कारक जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करेंगे वो वायु प्रदूषक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गैसीय और एक होते हैं कणिकीय। गैसीय प्रदूषक और कणिकीय प्रदूषक। यहां पर अपन देखें गैसीय प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक। अगर मैं गैसीय प्रदूषक की डेफिनेशन की बात करूं तो गैसीय प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सामान्य ताप दाब पर गैस अवस्था में रहते हैं। सामान्य ताप दाब पर कौन सी अवस्था में रहेंगे, गैस अवस्था में रहेंगे, तो ऐसे प्रदूषक क्या कहलाते हैं, गैसीय प्रदूषक कहलाते हैं। अब ये गैसीय प्रदूषक है ये वातावरण में कौन कौन से रूप में है, तो अपन यहां पर गैसीय प्रदूषक का स्रोत यानी किससे वो जनरेट हो रहा है और उसका क्या प्रभाव है यहां पर डिस्कस करें। नंबर एक, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगर इसके स्रोत की बात करें पर कि ये कहां से निकलता है, तो देखो वाहनों से उत्पन्न होने वाला सबसे मुख्य प्रदूषक है। वाहनों से उत्पन्न होने वाला सबसे मुख्य प्रदूषक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक, तो ये वाहनों से उत्पन्न होगा। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन है उनके जलने से उत्पन्न हो रहा है। अब इसका क्या प्रभाव कार्बन मोनोऑक्साइड का, अगर इफेक्ट की बात करें पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या इफेक्ट है, तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये गैस जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसके कारण श्वास लेने में तकलीफ आती, कठिनाई आती, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के स्थायी यौगिक बनाता है, इसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो ये ऑक्सीजन वहन करने में असमर्थ हो जाता है और इस रोग को बोलते हैं एस्फिक्सिया रोग, एम्फाइसिमा रोग। इसमें श्वास लेने में तकलीफ आएगी। ठीक, तो पहला जो प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर दो, अर्थित हाइड्रो कार्बन, अनबर्न हाइड्रो कार्बन, और ये है 3,4-benzpyrene, इसके अलावा बेंजीन। ठीक, अगर मैं इनके स्रोत की बात करूं तो ये जीवाश्मी ईंधन जो है उनके जलने से उत्पन्न होंगे, और अगर प्रभाव की बात करें तो इनके द्वारा फेफड़ों का कैंसर होगा, फेफड़ों का कैंसर इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, अब अनबर्न हाइड्रोकार्बन हो गए। नंबर तीन अपन देखें इथाइलीन। नाम सुना होगा आपने इथाइलीन का, ये प्रदूषक है, गैस से प्रदूषक। ये फलों के परिपक्वन के समय उत्पन्न होता है,
फलों के परिपक्वन के समय उत्पन्न होगा। और ये इथाइलीन है, इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव ये है कि इसके कारण पादपों में बेमौसम पत्तियां गिरती है। बेमौसम जैसे पतझड़ है उसमें गिरना है तो स्वाभाविक है, लेकिन बिना पतझड़ के भी अगर पत्तियां गिर रही है तो उसका कारण क्या है? इथाइलीन। नेक्स्ट नंबर 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से उत्पन्न होंगे? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जीवाश्म ईंधन के जलने से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसके प्रभाव की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मोक इसके अलावा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण फेफड़ों का फूलना, फेफड़ों का कैंसर, इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट नंबर 5, सल्फर ऑक्साइड। अगर अपन सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो सल्फर की जो ऑक्साइड है ये उत्पन्न होते हैं तेल रिफाइनरियों से, कोयले के जलने से, यहां से उत्पन्न होंगी। और ये सल्फर की जो ऑक्साइड है, ये सल्फर की ऑक्साइड जहां पर होते हैं वहां पर लाइकेन और मॉस वृद्धि नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन व मॉस वहां पर वृद्धि नहीं करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने कह सकते हैं कि लाइकेन और मॉस जो है ये सल्फर ऑक्साइड के द्वारा होने वाले प्रदूषण है उसका सूचक है। जिस क्षेत्र में अगर लाइकेन वृद्धि नहीं कर रही है इसका मतलब वहां पर यह प्रदूषक उपलब्ध है। ठीक, इसके अलावा यह सल्फर की ऑक्साइड है, इसके कारण पादपों में पर्णहरित जो होता है वो नष्ट होता है और ताजमहल जो है वो भी इसके द्वारा प्रदूषित हो रहा है सल्फर ऑक्साइड के द्वारा। और नंबर 6 है धुआं। धुआं क्या है? धुआं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ये हैं अपने 6 प्रकार के वायु प्रदूषण। नंबर 1 पर अपने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन वहन करने में समर्थ नहीं रहता। दूसरा प्रदूषक है अधिक हाइड्रोकार्बन्स 3-4 बेंजीपायरीन, बेंजीन के अंदर उत्पन्न होते हैं और इनके द्वारा फेफड़ों का कैंसर हुआ। तीसरा है इथाइलीन जो है ये फलों के परिपक्वन के समय उत्पन्न होने वाली गैस है और इसके द्वारा जो पौधे हैं उनमें बेमौसम पत्तियां गिरती है। नेक्स्ट नंबर 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक है और अम्लीय वर्षा, ये सब इसके कारण है। नेक्स्ट नंबर 5 सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं कहां से? कोयले के जलने से, तेल रिफाइनरियों से। और जहां पर सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित है वहां पर लाइकेन और मॉस वृद्धि नहीं करेगी। और लास्ट नंबर 6 धुआं। ठीक, तो ये तो थे आपके प्रदूषण। अब अपन देखते हैं
अगला टॉपिक है अपना द्वितीय प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट्स है, जितने जो प्रदूषक है, तो इसके अपन दो प्रकार यहां पर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे स्मोग और दूसरा पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। एक तो पढ़ेंगे अपन स्मोग, ये स्मोग प्लस फॉग के मिलने से बनेगा, और दूसरा टाइप पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, तो अपन सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट्स है वो पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्मोक और अम्लीय वर्षा, इसमें अपन कोविड आते हैं स्मोक, स्मोक जब स्मोक जो है इसका मापन करते हैं पर रिंगल मान विधि से, रिंगल मान विधि से इसका मापन किया जाता है। याद रखना है स्मोक का मापन किससे करते हैं, रिंगल मान विधि से, ठीक। अब ये स्मोक जो है इसके दो प्रकार, इसके दो प्रकार अपने यहां पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे लॉस एंडर्स स्मोक, जिसका दूसरा नाम है फोटो केमिकल स्मोक। दूसरा प्रकार है लंदन स्मोक, लंदन स्मोक, जिसका दूसरा नाम है सल्फर स्मोक, ठीक। लॉस एंजल्स स्मोक और लंदन स्मोक, ये दोनों, लॉस एंजल्स भी जगह का नाम है, लंदन नाम सुना ही आपने, तो यहां पर देखे गए थे सबसे पहले से का नाम इनके स्थान के आधार पर रखा गया है। अब इसमें अपन डिस्कस करते हैं लॉस एंजल्स को, लॉस एंजल्स जो है स्मोक उसको डिस्कस करते हैं। लॉस एंजल्स स्मोक, देखो लॉस एंजल्स जो स्मोक है, तो लॉस एंजल्स में देखा गया कि लॉस एंजल्स में क्या देखा गया कि स्मोक उच्च ताप नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन और उच्चता, समझा ध्यान से, स्मोक उच्चता नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन ओटो उच्चता और फोग, इन सब की आवश्यकता होती है इस स्मोक के निर्माण के लिए। ये सब आपस में क्रिया करते हैं, उच्च तापमान की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, स्मोक धुआं की आवश्यकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की आवश्यकता है, फोग कोहरे की आवश्यकता है, हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता है, ये सब मिलकर के बनाते हैं फोटो केमिकल स्मोक, ठीक, जो कि लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड
ऑक्साइड, ओजोन और पीएन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये जो बना फोटोकेमिकल स्मोक ये कहलाता है लॉस एंजल्स स्मोक। इस फोटोकेमिकल स्मोक के बनने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है, ये सब आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक जो कि लाल गोरे रंग का पदार्थ होता है और इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पीएएन जैसे पदार्थ बनते हैं। अब इसका अपन देखें प्रभाव, ये फोटोकेमिकल स्मोक जो बनता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो फोटोकेमिकल जो स्मोक है इसका प्रभाव ये है कि इसके कारण आंखों में आंसू आते हैं, पेपड़े जो है उनको नुकसान होता है। इसके अलावा श्लेष्मल झिल्लियां हैं उनको भी नुकसान होता है इसके द्वारा। श्लेष्मल झिल्लियां ही सब ने नासा छिद्रों में है तो श्लेष्मल झिल्लियों को नुकसान होता है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक है, इस फोटोकेमिकल स्मोक के कारण अगर अपन देखें तो इसके द्वारा श्वसन में दिक्कत होने के कारण कई लोगों की सी मृत्यु भी हो सकती है। और इसमें जो ये जो पीएएन है पर एसिटिल नाइट्रेट है इसके कारण पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्रिया होती है हिल अभिक्रिया, तो वो जो हिल अभिक्रिया है वो रुक जाती है। इन्हें अपने कह सकते हैं कि इस प्रदूषण के कारण पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है क्योंकि इसमें एक अभिक्रिया होती है हिल रिएक्शन, तो वो जो हिल रिएक्शन है वो हिल रिएक्शन को ये संदमित कर देता है। तो ये अपने प्रभाव देखे लॉस एंजल्स स्मोक है। ठीक, दूसरा जो स्मोक है वो है लंदन स्मोक, तो अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लंदन स्मोक को देखो, लंदन स्मोक, इस लंदन स्मोक के लिए किसकी आवश्यकता है, एक तो कोयला, एक धुआं, ठीक, इसके अलावा फोग और कमता। लंदन स्मोक या सल्फर स्मोक के बनने के लिए कोयला, धुआं, फोग और कम ताप की आवश्यकता होती है, साथ में सल्फर के ऑक्साइड ये सब मिलकर के बनाते हैं H2SO4 की वाष्प। क्या बनाएंगे, H2SO4 की वाष्प बनाएंगे। ये H2SO4 जो वाष्प है इस वाष्प के कारण लंदन में 1952 में 4,000 लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए इसको कहा गया है लंदन स्मोक। तो आपके लिए क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो ये रहती है कि जैसे कि सल्फर स्मोक या लंदन स्मोक का संगठन क्या है, किससे मिलकर के बनता है, नंबर एक क्वेश्चन तो बनता है जैसे इसका संगठन क्या है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आपके आ सकता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मोक, सल्फर स्मोक, अगर इनका नाम आ जाए पीएएन, परऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, ये सब द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। तो ये प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके इसका निर्माण कर रहे हैं तो ये द्वितीयक प्रदूषक बन गया। ठीक, तो ये तो हो गया अपने स्मोक। अब दूसरा टॉपिक आता है अपना अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ तो बच्चों अम्लीय वर्षा एसिड रेन, तो देखो अम्लीय वर्षा जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जो वर्षा है वो अम्लीय प्रकृति की होगी, तो जो विभिन्न स्रोत है प्रदूषण उत्पन्न करने वाले
तो उनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न हो रहे हैं। यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड है, ये वातावरण के अंदर, वातावरण में जल वाष्प के साथ क्रिया करके, किसके साथ, जल वाष्प के साथ क्रिया करके, यानी मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन व सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर के ऑक्साइड वातावरणीय जलवाष्प, वातावरणीय जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं, H2SO4 और HNO3 बनाते हैं। और ये H2SO4 HNO3 एसिड आपको पता है, जब ये अम्ल जो है ये बरसात के जल के साथ नीचे आते हैं तो वही है अम्लीय वर्षा। जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें 70% H2SO4 होता है और 30% जो है वो HNO3 होता है। जब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि अम्लीय वर्षा में H2SO4 और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 70% अनुपात 30%। लेकिन कंफ्यूजन आपके रहता है कि 70 को नहीं, ये है ये ऑप्शन ऐसे बदल के देखा हूं। तो इसे ध्यान रखना कि जैसे इसमें ऑक्सीजन कितने, 4, सल्फर कितने, 1, 4 2 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कितने हुए, 4 5 2 7, 7 में इधर 7 है। अरे याद रहेगा, छोटी सी ट्रिक है, याद रखने कि H2SO4 जो है उसका प्रतिशत कितना रहेगा, 70। नेक्स्ट, अब अपन देखें कि ये जो अम्लीय वर्षा होती है इसकी पीएच क्या होती है। तो अम्लीय वर्षा की पीएच होती है 5.6 से कम, 5.6 से कम इसकी पीएच होती है, ये भी किस रूप में जाता है। उसके बाद इसका प्रभाव देखें कि अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव होता है। तो बच्चों अम्लीय वर्षा जब होती है तो एक मृदा और जल की अम्लीयता बढ़ जाती है, मृदा की और जल की अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मृदा व जल की अम्लीयता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्या प्रभाव है, इसके अलावा जो बहुमूल्य इमारतें हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, ये सब इसके द्वारा प्रभावित है। ताजमहल, लाल किला, ये भी एसिड रेन के द्वारा प्रभावित है, नुकसान हो रहा है। ठीक, तो अम्लीय वर्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वातावरण की जलवाष्प के साथ क्रिया कर लेते हैं और H2SO4 और HNO3 अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल जो है ये बरसात में धरती पर आते हैं, वही है अम्लीय वर्षा। इसकी पीएच 5.6 से कम रहेगी, आपको याद होना चाहिए 7 से कम अगर पीएच है तो वो पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये 5.6 से कम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना बच्चों वो है ग्रीन हाउस प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझते हैं अपन ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। अपन ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो CO2 होती है जब इसकी सांद्रता कम होती है तो ये प्रदूषक नहीं होती, लेकिन CO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है तो फिर ये CO2 क्या करती है, ये पृथ्वी के चारों ओर, जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा आवरण बना लेती है। इन्हें अपन कह सकते हैं कि ये है एक मोटा आवरण, और ये मोटा आवरण बना है ये किसका है, ये CO2 गैस का आवरण, क्लियर। और ये पृथ्वी है, यानी पृथ्वी के चारों ओर CO2 गैस का एक मोटा आवरण बन गया इस वातावरण में। जब CO2 सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अब इसके कारण क्या होगा, सूर्य से आने वाली
अधिक ऊर्जा वाली विकिरणें इस जो आवरण है इसको भेद करके अंदर तो आ रही है, लेकिन पृथ्वी से वापस लौटने वाली कम ऊर्जा वाली ऊष्मा विकिरणें इसको भेद करके बाहर नहीं जा पाती। ऐसे केस में क्या होता है, ये यहीं पर वापस परावर्तित हो जाएगी, वापस ले जाएगी और इसके चारों ओर घूमती रहेगी और यहां इस वातावरण का तापमान ये बढ़ा देगी। ये है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ये विकिरणें आएगी लेकिन वापस नहीं जाएगी, यहीं पर घूमती रहेगी और पृथ्वी के चारों ओर उसमें बढ़ जाएगी, यानी पृथ्वी चारों ओर तापमान बढ़ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता है, पूरे विश्व की उष्णता यानी ताप बढ़ेगा, किसी एक देश की बात नहीं। तो ये तो अपन ने समझा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है और फिर भी आ सकता है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है और सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो CO2 सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा मीथेन है, इसके अलावा CFC है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये इनमें सबसे मुख्य गैस है ग्रीन हाउस गैस। अगर इनको अपने ग्राफ के द्वारा समझे, देखो 60% बोलते हैं CO2 का 60% ग्रीन हाउस है और 20% है मैथेन, 20% मैथेन, उसके बाद आती है CFC 14%। CFC बोलकर क्लोरो फ्लोरो कार्बन और उसके बाद है नाइट्रोजन के ऑक्साइड मात्र 6%। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रोल है, मुख्य जो गैस है वो है CO2, सेकेंड नंबर पर आती है मैथेन, थर्ड नंबर पर CFC और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब अपन ये तो क्या ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अपन ने यहां पर देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही, वैश्विक उष्णता बढ़ रही, पूरे विश्व तापमान बढ़ रहा है। अब इसके क्या इफेक्ट होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ग्रीन हाउस से रिलेटेड अपन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। हाँ, सबसे पहले अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 1, विगत वर्षों में कुछ वर्षों में देखा गया है कि CO2 जो है इसकी सांद्रता 280 ppm से बढ़कर 280 ppm से बढ़कर 368 ppm हो गई। ppm की फुल फॉर्म में पार्ट पर मिलियन, यानी विगत वर्षों में देखा गया है कि वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ी है, 280 ppm से बढ़कर कितनी हो गई है 368 ppm। नंबर 2 पॉइंट, अभी अपन ने देखा कि जैसे पृथ्वी के चार ओर गैस आवरण बने हैं, आवरण बनने के कारण पूरे पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपने कह सकते हैं ये ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है तो इसके कारण तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो फिर हिमनद जो ग्लेशियर है वो, इसके अलावा ध्रुवीय चोटियां जो है जहां हमेशा बर्फ जमी हुई है वो क्या होगी, इसके अलावा क्या होगा, जब हिमनद ध्रुवीय चोटियां पिघलेगी तो उसके कारण बाढ़ आ जाएगा मैदानी भागों में,
है ना। इसके अलावा जो द्वीप है तो द्वीप जो है वो जलमग्न हो जाएंगे और वर्षा का चक्रण जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके इफेक्ट, क्योंकि अपन को पता है कि ध्रुवीय चोटी है वहां पर बर्फ जमी हुई, बर्फ पिघलेगी तो मैदानी भागों में जो समुद्र के किनारे वाले जो देश है, जो शहर है वो रूखे। इसके अलावा वर्षा का चक्रण है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला पॉइंट अपन देखें, पॉइंट नंबर 3, कि जब CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। इसे कहा जाता है CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। क्लियर है? तो CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है, कि जब CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखें अपन पॉइंट नंबर चार में अपने देखें कि 20वीं शताब्दी में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा, पूरे विश्व तापमान है तो 20वीं शताब्दी में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ा है। ठीक, पांचवा पॉइंट अपन देखें कि 20वीं शताब्दी में प्रत्येक वर्ष 1 से 2 mm समुद्र तल जो है उसकी ऊंचाई बढ़ी है। ठीक, तो 1 से 2 mm समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ी है प्रत्येक वर्ष 20वीं शताब्दी के अंदर। छठा पॉइंट अपन देखें कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो क्या विश्व का या इस पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो अभी जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो होता या नहीं होता। तो देखो, अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। क्लियर? तो ये अपन ने ग्रीन हाउस प्रभाव के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस यहां पर किए। पहला पॉइंट दोबारा से समझते हैं कि विगत पिछले कुछ सालों में CO2 की सांद्रता बढ़ी है और 280 ppm से बढ़कर कितनी होगी, 368 ppm हो चुकी है। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व में तापमान बढ़ रहा है, जैसे हिमनद ध्रुवीय चोटें पिघल रही है, पानी जो है वो समुद्रों में आ रहा है, उसके कारण जो मैदानी भाग है उन्हें बाढ़ आने की समस्या उत्पन्न हो रही है, द्वीप जलमग्न हो रहे और वर्षा चक्र बिगड़ रहा है। इसके अलावा CO2 बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है और CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट से कहेंगे। 20वीं शताब्दी के अंदर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा है और प्रत्येक वर्ष इस 20वीं शताब्दी के अंदर जो समुद्र तल है वो 1 से 2 mm बढ़ रहा है। ठीक, लास्ट पॉइंट में अपन ने यहां पर ये देखा कि अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर के -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जिसमें जीवन भी संभव नहीं होता। तो ये तो हो गया अपने ग्रीन हाउस प्रभाव और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। और अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो जो टॉपिक है वो है ओजोन अपघटन। हाँ जी, ओजोन अपघटन। सबसे पहले अपन यहां पर ये देखें कि ओजोन जो है ये गैस कहां पर मिलेगी,
वातावरण में कितनी ऊंचाई पर मिलेगी। तो ये 16 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर यानी पृथ्वी जो सतह है, इस पृथ्वी सतह से 16 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ओजोन की एस मिलती है। अपने कह सकते हैं ये सम ताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि ओजोन गैस कहां पर मिलती है, समताप मंडल में 16 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ये जो ओजोन गैस है, इस ओजोन गैस की जो परत है इसकी मोटाई, ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो है 3 mm, और इसकी मोटाई का जो मापन है वो करते हैं अपन डोप्सन इकाई, डोप्सन यूनिट में करते हैं, डी यूनिट करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत की मोटाई का मापन किसमें करते हैं, डी यूनिट, डोप्सन यूनिट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, सबसे पहले ओजोन छिद्र जो देखा गया वो देखा गया था निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा। सबसे पहले ओजोन छिद्र निम्बस 7 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका में देखा गया। ओजोन छिद्र जो देखा गया, ओजोन छिद्र का मतलब है कि जहां पर ओजोन गैस की जो परत है वो पतली हो जाएगी, सांद्रता बहुत कम हो जाएगी इस गैस की, तो वो स्थान छिद्र कहलाएगा। तो ओजोन छिद्र को सबसे पहले निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा कहां पर देखा गया, अंटार्कटिका में देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें कि जो ओजोन छिद्र जहां पर बनेगा उन ओजोन छिद्र में से होकर के अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचेगी। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आएगी पृथ्वी पर और उसके कारण कैंसर व उत्परिवर्तन म्यूटेशन, यानी अपन कह सकते हैं कि जब ओजोन गैस जो है उसकी सांद्रता कम हो जाएगी या जिसे अपन बोल रहे हैं ओजोन छिद्र हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचेगी और उससे यहां पर कैंसर और उत्परिवर्तन जैसी बीमारियां होंगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें कि ओजोन गैस जो है इसको सबसे अधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है, तो ओजोन गैस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहां से उत्सर्जित हो रही है, ये उत्सर्जित हो रही है एयर कंडीशनर, एसी, रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा ये जो हवाई जहाज है उसका जो एरोसोल है उसमें सीएफसी का उपयोग होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन गैस को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक जो क्लोरीन परमाणु होता है, तो एक क्लोरीन का परमाणु 1,00,000 ओजोन अणुओं को ऑक्सीजन में बदल देता है, 1,00,000 ओजोन अणु जो होते हैं उनको किसे बदल देता है, ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें कि अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र दिखाई देते हैं, तो ये ओजोन छिद्र अगस्त माह के अंत से लेकर के अक्टूबर के प्रारंभ तक दिखाई देते हैं। ओजोन छिद्र जो दिखाई देता है अंटार्कटिका में, तो वो कब दिखाई देता है, अगस्त महीने के अंत से दिखना शुरू होता है और सितंबर में रहेगा और अक्टूबर के प्रारंभ तक वो दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखता। ठीक, तो ये अपने ओजोन अपघटन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इस ओजोन अपघटन वाले टॉपिक में से जो आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या है दोबारा से समझे एक बार।
एक तो कि ओजोन गैस कहां पर मिलेगी, 16 से 25 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में। उसके बाद वहां पर समता है जहां पर गैस मिल रही, ठीक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं, वह है डॉप्सन इकाई। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, ओजोन अपघटन। अब एक पॉइंट और आप समझ लें यहां पर, उसके बाद टॉपिक खत्म करते हैं आज। वायु प्रदूषण का नियंत्रण, वायु प्रदूषण का नियंत्रण। अब देखो वायु प्रदूषण जो होता है इसमें दो तरह के प्रदूषण, एक तो है गैसीय प्रदूषण और एक है इसमें कणिकीय प्रदूषण, ठीक। जो गैसीय प्रदूषक है इनका नियंत्रण दहन से, अधिशोषण से और अवशोषण के द्वारा होता है। जब ये कणिकीय प्रदूषक होते हैं तो इनके दो मेथड है, एक तो है मार्जक और एक है पृथक कार्य। मार्जक विधि से सल्फर के जो ऑक्साइड है उनको अपन पृथक करते हैं, और इस पृथक कार्य विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा कणिकीय जो प्रदूषक होते हैं उनको किस तरह से अलग किया जाता है इसको अपन समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो मेथड है, देखो इसमें सपोज करो इधर से ये डर्टी एयर है, प्रदूषित वायु है, कणिकीय प्रदूषक इसके अंदर मिले हुए हैं, ये हैं पार्टिकल्स, धूल के कण। अब यहां पर बहुत अधिक वोल्टेज वाले इलेक्ट्रोड होते हैं, बहुत अधिक वोल्टता की धारा इनमें प्रवाहित होती है, और जब बहुत अधिक वोल्टता की धारा इनसे प्रवाहित होती है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इधर से ये जो कण है डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण है, जब इधर से गुजरेंगे तो इनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। जब ये डस्ट पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं तो वे ऋण आवेशित हो जाते हैं। ऋण आवेशित होने के बाद जब वो इधर आगे बढ़ते हैं इस नली में तो ये है संचायक पार्टिकल, संचायक इकाई। जब ये ऋण आवेशित धूल के कण इधर आएंगे तो इन संचायक पट्टिकाओं पर चिपक जाते हैं, ये संचायक पट्टिकाएं होती है धनावेशी, ठीक। जब ये डस्ट के पार्टिकल इन संचायक पट्टिकाओं पर चिपक गए तो इधर जो गुजरेगी वायु वो होती क्लीन, क्लीन एयर होती है, स्वच्छ वायु होती है। तो अपने कह सकते हैं इस विधि के द्वारा अपन ने जो कणिकीय प्रदूषक थे उनको अलग कर लिया है। ये विधि कहलाती इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर